जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि वर्ल्ड कप शुरू होने में सिर्फ 2 दिनों का समय बचा है और इस महान टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली सभी 10 टीमें भारत आ चुकी हैं और भारत आने के बाद सभी 10 टीमें अपना अपना वार्म अप मैच खेल रही हैं, जबकि भारतीय टीम भी अपना दूसरा प्रैक्टिस मैच नीदरलैंड के साथ खेलने वाली है। भारत अपना दूसरा प्रैक्टिस मुकाबला नीदरलैंड के साथ खेलने के लिए अपने खतरनाक प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी है। जी हाँ दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा ने अपने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है और कप्तान रोहित शर्मा ने साफ साफ कह दिया है कि यही प्लेइंग 11 नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगी, क्योंकि दोस्तों हमारी भारतीय टीम अपना दूसरा प्रैक्टिस मैच खेलने के बाद वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगी। इसलिए कप्तान रोहित शर्मा ने अपने प्लेइंग 11 में ऐसे ऐसे खतरनाक भूखे शेरों को टीम में शामिल किया है जो नीदरलैंड की टीम को परखच्चे उड़ाकर रख देंगे। जी हाँ दोस्तों, जिन जिन भूखे शेरों को कप्तान रोहित शर्मा ने अपने टीम में शामिल किया है वह नीदरलैंड को बुरी तरह से हराकर वर्ल्ड कप की शुरुआत करने वाले हैं। दोस्तों आगे वीडियो में बताएंगे कि कप्तान रोहित शर्मा ने अपने प्लेइंग 11 में किन किन भूखे शेरों को टीम में शामिल किया है और यह प्रैक्टिस मैच कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा और आप इस मैच को लाइव कैसे देख सकते हैं, बताएंगे आप सभी को इस वीडियो में पूरी खबर। इसलिए दोस्तों आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि दोस्तों आज की यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए दोस्तों आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, इस मैच में किंग कोहली और सूर्यकुमार यादव में से सबसे ज्यादा रन कौन बनाएगा, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड कप का आगाज 5 अक्टूबर से होने वाली है और सभी टीमें इस टूर्नामेंट के लिए अपनी तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दी है और हमारी भारतीय टीम भी वर्ल्ड कप को अपने नाम करने के लिए पूरी तरह से तैयारी शुरू कर दी है। बता दें दोस्तों कि हमारी भारतीय टीम अपना दूसरा प्रैक्टिस मुकाबला नीदरलैंड के साथ खेलेगी और यह दूसरा प्रैक्टिस मैच 3 अक्टूबर को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा और आप इस मैच को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर फ्री में लाइव देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे वीडियो में बताते हैं कि कप्तान रोहित शर्मा ने नीदरलैंड के खिलाफ अपने प्लेइंग 11 में किन किन खूंखार भूखे शेरों को टीम में शामिल किया है। तो दोस्तों सबसे पहले टॉप ऑर्डर में ओपनिंग करने कप्तान रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल मैदान पर जरूर नजर आएंगे। बता दें दोस्तों कि तीसरे वनडे में रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ताबड़तोड़ 81 रनों की पारी खेली थी जिसमें इन्होंने 5 चौके तो वहीं 6 गगनचुंबी छक्के लगाए थे। अब शुभमन गिल की बात करें तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच में ताबड़तोड़ 74 रनों की पारी खेली थी जिसमें इन्होंने 6 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के लगाए थे, तो वहीं दूसरे वनडे मैच में इन्होंने खतरनाक 104 रनों की पारी खेली थी जिसमें इन्होंने 6 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के लगाए थे। इसलिए रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल ओपनिंग करने आएंगे। तो वहीं नंबर 3 पर किंग कोहली नजर आएंगे जिन्होंने तीसरे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार 58 रनों की पारी खेली थी जिसमें इन्होंने 5 चौके और 1 छक्के लगाए थे। बता दें दोस्तों कि नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर खेलने आएंगे क्योंकि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में खतरनाक 105 रनों की पारी खेली थी जिसमें इन्होंने 11 चौके तो 3 गगनचुंबी छक्के लगाए थे। तो वहीं तीसरे मैच में 48 रनों की भयानक पारी खेली थी जिसमें इन्होंने 2 छक्के तो 1 चौके लगाए थे। तो वहीं नंबर 5 पर केएल राहुल नजर आएंगे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले 2 वनडे मैच में कप्तानी की थी और दोनों मुकाबले को जीतकर सीरीज को अपने नाम कर लिया था जिसमें केएल राहुल ने पहले मैच में 58 रनों की शानदार पारी खेली थी, तो वहीं दूसरे मैच में 52 रनों की पारी खेली थी जिसमें इन्होंने 3 छक्के तो वहीं 3 चौके लगाए थे। तो दोस्तों बता दें कि नंबर 6 पर खतरनाक सूर्यकुमार यादव नजर आएंगे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच में शानदार 50 रनों की पारी खेली थी जिसमें इन्होंने 5 चौके तो 1 छक्का लगाया था, तो वहीं दूसरे वनडे मैच में खतरनाक 36 गेंदों में 72 रनों की पारी खेली थी जिसमें इन्होंने 4 चौके तो 6 गगनचुंबी छक्के लगाए थे। इस प्रकार नंबर 7 पर भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या नजर आएंगे जिन्होंने एशिया कप में अच्छा परफॉर्म किया था। तो वहीं नंबर 8 और नंबर 9 पे कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा नजर आएंगे जिनकी बॉलिंग अच्छी चल रही है। नंबर 10 और नंबर 11 के लिए जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज नजर आएंगे। दोस्तों इस प्रकार कप्तान रोहित शर्मा ने अपने प्लेइंग 11 में इन खतरनाक खिलाड़ियों को शामिल किया है। दोस्तों यह रही कप्तान रोहित शर्मा की खतरनाक प्लेइंग 11।